हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रजेश कुमार और आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। फिर आज इसमें हम लोग आते हैं सूफी आंदोलन को देखते हैं। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल में और मुगल कालीन में एक तरफ जो होते हैं वह हिंदुओं के लिए जो आंदोलन करता है, जो हिंदुओं की जो धर्म होता है उसमें कुछ कुरीतियाँ आ जाती है और उसको दूर करने के लिए तरह तरह के जो संत उभरते हैं उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत करती है। उधर उसको हम लोग भक्ति आंदोलन करते हैं बोलते हैं। इधर मुस्लिम धर्म में भी तरह तरह की कुरीतियाँ, तरह तरह की बुराइयाँ जो आ गई थी उसको दूर करने के लिए एक अलग तरह की आंदोलन होती है, एक अलग तरह के आंदोलन होते हैं जो संत लोग करते हैं, जो वहाँ के सूफी होते हैं वो उसी को हम लोग सूफी आंदोलन बोलते हैं। क्योंकि उसने क्या किया कि मुस्लिम धर्म में जो कुछ ऐसी कुरीतियाँ होती है जिसको दूर करके एक नया धर्म का निर्माण करते हैं, एक नया तरह का सिलसिला का उन्होंने निर्माण किया। इसी तरीका से हम लोग देखते हैं कि सूफी आंदोलन आता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि छोटा छोटा टर्म जो बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं कि इसमें आता है एक सूफी। सूफी का शब्द का क्या अर्थ होता है? सूफी शब्द से बना है अर्थ, सूफी शब्द से बना है, सूफी जो है वह सफ शब्द से बना है और सफ का मतलब होता है ऊनी वस्त्र, यानी कि ऊनी वस्त्र का मतलब कि आप उसको कह सकते हैं कि पवित्र चीज, पवित्र पवित्र ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र सफ शब्द से बना है। सूफी जो है सफ शब्द से बना है, अर्थ इसका होता है ऊनी वस्त्र जिसका मतलब होता है पवित्रता, जो जिसको क्या किया कि सूफी संतों ने उपयोग किया पवित्रता की। इसमें देखिएगा कि एक क्वेश्चन जो होता है वो बार बार पूछ देता है, खान का क्षमा मुलफुजात शरियत, ये जो चार पांच जो वर्ड है इसको याद रखने के रखना है। खान का मतलब होता है सूफियों का निवास स्थान, जहाँ सूफी लोग रहा करते थे उसकी निवास स्थान को हम लोग खान का बोलते हैं। क्षमा जो होते हैं संगीत गोष्ठी या सूफी समारोह, जहाँ पे क्या होते थे कि सूफी समुदाय के लोग जो एकत्रित होकर के अपने आप विचार की आदान प्रदान किया करते थे, एक समा का आयोजन करते थे वहाँ पे रखकर, वो गीत संगीत का के तौर तरीका का जो आयोजन होता था उसको करते थे, उसी को हम लोग संगीत गोष्ठी या सूफी समारोह होते हैं। मुलफुजात यानी कि सूफी साहित्य, सूफी लोगों का जो साहित्य है उसको हम लोग मुलफुजात बोलते हैं। शरीयत, शरीयत का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि शरीयत का मतलब होता है कानून, इस्लाम का कानून, यानी कि इस्लाम का जो तौर तरीका है, इस्लामी कानून जो होता है वही शरीयत होता है। सूफी आंदोलन का जो उद्भव होता है वह ईरान और फारस, वही ईरान इराक के बीच में जो जगह है, ईरान इराक की जगह को ही हम लोग फारस बोलते हैं। फारस, ईरान और फारस में हुआ। सूफी वर्ग जो निकल के आते हैं उसको क्या कहते हैं कि उस सूफी वर्ग दो कैटेगोरी में निकलते हैं, एक इसको एक को बोलते हैं बासरा और दूसरा को बेसरा। बासरा जो होता है वो शरीयत में विश्वास रखता है, यानी कि इस्लामिक जो कानून होते हैं उसमें विश्वास करता है, और बेसरा जो होता है वो शरीयत में विश्वास नहीं रखता, उसको शरीयत के कानून से कोई लेना देना नहीं है। अब्दुल फजल के अनुसार चौदह सूफी सिलसिले थे, अब्दुल फजल के अनुसार चौदह सूफी सिलसिले थे जिसको अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अभी हम लोगों से इसमें कुछ ही ऐसा है जहाँ से हमारे इंडिया में जिसकी उद्भव हुई उसके बारे में ही हम लोगों को कुछ कुछ पढ़ना है। तो हम लोग इसके बारे में पहले देखते हैं कि इसमें हमारे यहाँ जो उनको जो सूफी संत हैं वो बहुत पर, सबसे पहला इसके अरेंजमेंट के हिसाब से पहले आप लोग देख लीजिए, जो एग्जाम में बार बार पूछते रहता है भारत में प्रमुख सूफी संत, तो पहला जो आता है वह चिश्ती संप्रदाय, पहला जो संप्रदाय यहाँ पे आता है वह चिश्ती संप्रदाय, उसके बाद सुहार बंदी, उसके बाद फिरदौसी, उसके बाद सतारिया, उसके बाद काबिली और नक्शबंदी। इस तरीका से जो इन्होंने बोला है कि चौथा सूफी संत, लेकिन एक दो तीन चार पाँच छः, हम लोगों को छः ही पढ़ना है जो अपने इंडिया से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमको ये छः के बारे में ही अरेंजमेंट, पहले चिश्ती संप्रदाय, उसके बाद सुहरावदी, उसके बाद फिरदौसी, उसके बाद सतारिया, उसके बाद कादारी कादरी और सबसे अंत में जो आया वह नक्शबंदी था। भारत में सूफी का आगमन गजनी के समय में हुआ। गजनी जो जिस समय आक्रमण करता है भारत पर उसी समय क्या होता है कि सूफी जो लोग होते हैं वह भारत में आक्रमण करते हैं। पहले सिख्स, पहले जो संत इसके आए वह थे शेख इस्माइल, आप इसको याद रखिएगा, शेख इस्माइल।
पहले जो सूफी संत आए वो शेख इस्माइल थे और वो आने वाले लाहौर के क्षेत्र में थे। अब इसके बाद सूफी संत के जो शिष्य होते हैं उसको हम लोग मुरीद कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि सूफी के जो संत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मुरीद बोलते हैं। तो इसीलिए देखिएगा कि आप ये छोटा छोटा टर्म आपका। अब देखिए चिश्ती संप्रदाय सबसे पहले आया, इसके संपदा संपादक जो थे वो खबजा अबू अब्दाल चिश्ती, यानी कि खबा अबू अब्दाल चिश्ती, यह भारत में खबा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जो खानकाह के बारे में आइएगा, खानकाह का मतलब कि इनके रहने का स्थान अजमेर शरीफ था, वही अजमेर शरीफ जहाँ पे संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी, वो संस्कृत विद्यालय था माने कि वो एक विद्यालय था जहाँ पे क्या होता था कि खानकाह है अजमेर में जहाँ पे इनकी दरगाह है, इनका खानकाह अजमेर में था, इनका दरगाह अजमेर में था। इनका शिष्य शेख महमूदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका शिष्य होते हैं। जो इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में क्या होता है कि कुतुब मीनार बनाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, उसकी नींव रखता है लेकिन उसको पूर्ण करता है इल्तुतमिश। तो इसीलिए हम लोग इसको याद रखेंगे कि चिश्ती संप्रदाय सबसे इसको रखने वाला अबू अब्दाल काकी, अबू अब्दाल चिश्ती, अबू अब्दाल चिश्ती। और ये इनका जो खान का है वो अजमेर में है। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में, ये इल्तुतमिश के समय आया तथा कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर बना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बाबा फरीद, शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर इनका नाम था। इनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है और यह बलबन के दावे थे, वही बलबन जो क्या करता था कि बलबन जो धर्म के प्रति बहुत बड़ा माने की आस्था रखता था उसी का यह दावा था। शेख निजामुद्दीन औलिया, वो हम लोग देख रहे हैं सल्तनत काल के समय में ही ये सूफी संत के एक तरफ सूफी संत और एक तरफ जो भक्ति आंदोलन होता है उसका उदय होता है। अब हम लोग देखते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया ये सब जो है वो चिश्ती संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। चिश्ती सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जो बाबा फरीद के शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे, उसी का जो ये चिश्ती सिलसिला का लोकप्रिय संत थे। खानकाह दिल्ली में स्थित है, आप इसके खानकाह को दिल्ली में स्थित है, खानकाह का मतलब समझ जाइए कि जो सूफियों का रहने का निवास है। तो ये इसका दिल्ली में स्थित गयासुद्दीन तुगलक को कहा दिल्ली अभी दूर है। क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी उसी समय में क्या किया था कि गयासुद्दीन तुगलक का वंश से जुड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया कि आपको वेस्ट बंगाल जाने के बंगाल के क्रम में जाने के समय में उसने क्या किया था कि इनसे मिलने की परमिशन मांगी थी लेकिन इन्होंने मिलने से मना कर दिया था, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और कहा था क्या कि मैं तेरे ऊपर बहुत तरह की प्रतिबंध है जो तुमको प्रचार नहीं करने के, इस तरह की बातें उन्होंने कहा था। तो उसी शब्द से उन्होंने कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो अभी आप याद रखिएगा। फिर अलाउद्दीन और जलालुद्दीन से भी नहीं मिला, ये जो औलिया थे बाबा फरीद के शेख निजामुद्दीन औलिया, यह क्या किया कि अलाउद्दीन और जलालुद्दीन से भी नहीं मिला, जिसके कारण उसको बहुत तरह की समस्या का समाधान करना, समस्या से जूझना पड़ा। अलाउद्दीन और जलालुद्दीन से नहीं मिला था, यह इतना बड़ा समझ थे। शेख सलीम चिश्ती खान का फतेहपुर सिकरी में और अकबर के समकालीन, इसी सलीम के नाम पर जिसको जहांगीर हम लोग जानते हैं, जहांगीर जो होता है जहांगीर, इसी शेख सलीम चिश्ती क्या करता है कि अकबर को पुत्र की पुत्र नहीं होता है, तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के दरबार पर जाते हैं और वहां पे उनसे मन्नत करते हैं, तब तो उन्हें जाकर के एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो उन्हीं के नाम पर, उसका नाम जहांगीर का नाम क्या कहता है कि शेख सलीम चिश्ती रखा जाता है जहांगीर का नाम। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये खान का फतेहपुर सिकरी अकबर के समकालीन था। उसके बाद देखते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय, सुहरावर्दी जो दूसरा है वह सुहरावर्दी संप्रदाय, ये शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसका संस्थापक होते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ये चिश्ती के बाद दूसरा प्रमुख क्षेत्र था और इसका जो
जो उसका इसका जो प्रभाव था वह सिंध के प्रदेश में। उसके बाद आते हैं फिरदौसी, इसका शेख बद्रुद्दीन समरकंद, समरकंद इसका संस्थापक था, इसका प्रभाव क्षेत्र बिहार के राजगीर में था। इसके प्रमुख जो आदमी थे सैफुद्दीन याहया मनेरी और हुसैन बख्शी। ये देख लीजिएगा कि बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बार बार पूछ देता है क्वेश्चन। अब उसके बाद आते हैं वो सतारिया, सतारिया संप्रदाय, इसकी संस्थापक शेख अब्दुल्ला सतारी था। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद हम लोग कादरी को देखते हैं, इसमें एक दो और है जिसको हम लोग देख लेते हैं कहीं इससे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यह बहुत कम आता है। सतारिया जो सतारिया के बाद आता है कादरिया संप्रदाय, इसमें कादरिया संप्रदाय जो था कादरिया, इसको अब्दुल कादिर जिला कादरिया। इसमें एक आप और चीज देख लीजिए, कादरिया कादरिया संप्रदाय, ऐसे इसे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। कादरिया संप्रदाय से जो है कादरिया कादरिया इसका अब्दुल कादिर जिला, इसका संस्थापक जो होता है अब्दुल कादिर जिला। और दारा सिको, दारा सिको अभी इससे जुड़ा रहता है। दारा सिको जो रहता है, दारा सिको अभी इसी संप्रदाय से, अब्दुल कादिर जिलानी, और याद रखिएगा जिससे औरंगजेब क्या करता है कि युद्ध करके अपने जो क्षेत्र में मिटा देता है। और दारा सिको जो शाहजहां का पुत्र भी इसी संप्रदाय से जुड़ा, अब्दुल कादिर जिलानी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भी मेरा सूफी आंदोलन से रिलेटेड जो भी प्रमुख बिंदु होती है उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, आप लोग इसको बार बार देखिएगा, जो अगर जूमिंग करके भी इसको आप देख करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा इसी से क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और थोड़ा आप लोग बुक भी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बुक पढ़ने से यह ज़्यादा आपको इस उसका जो निचोड़ जो बुक का होता है उसको मैंने आपके सामने रख दिया, उस बुक से क्या क्वेश्चन और कहाँ से किस जगह से क्वेश्चन बनता है इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और आप लोग देखते रहिए एसएलपी प्रीलिम्स।